नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कर्क लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कम्बिनेशन कर्क लगन व मकर राशि है। पहले हम समझें कि कर्क लगन व मकर राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कर्क लगन है। चंद्रमा सप्तम भाव में 10 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कर्क लगन व मकर राशि का बनता है तो आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ष 2024 के लिए 4 बड़े ग्रहों का गोचर देखेंगे। कर्क लगन में केतु चल रहे हैं तीसरे भाव में, शनि महाराज अष्टम में है कुंभ राशि में, राहु चल रहे हैं भाग्य भाव में, वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति होंगे दशम में और मई 2024 को वो चले जाएंगे लाभ भाव में, जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। मकर राशि की बात करें तो शनि महाराज अभी चंद्रमा से दूसरे चल रहे हैं, जिसके कारण मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। राहु तीसरे भाव में है, वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में होंगे और मई 2024 को वो पंचम में आ जाएंगे और केतु चल रहे हैं भाग्य भाव में। ये ग्रहों की स्थिति है कर्क लग्न व मकर राशि के लिए। आप इस वीडियो को देखें तो इस बात को याद रखिएगा कि कर्क लगन व मकर राशि के कम्बिनेशन पर मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि वर्ष के लिए जो हमारा अच्छा गोचर आया है और ये गोचर हमें पूरा फल लेके जाए तो शनि महाराज का आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करें कि कर्क लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2024 में कैरियर के लिए शुभ समय कौन सा निकल के आता है। कैरियर के लिए शुभ समय निकल के आता है 1 मई से लेकर दिसंबर तक। ये वो समय होगा जब आपके काफी लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कई बार हमारी इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति खुद इच्छा पूर्ति के भाव में आ गए कर्क लगन से और मकर राशि से वो इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे। यानी आपका जो लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, वो लगन व राशि दोनों से एक्टिवेट हो रहा है और भाव के एक्टिवेट होने का अर्थ है कि भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि आपके इच्छा पूर्ति का समय है। कि लंबे समय से आप कोई ऐसी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है आपको वर्ष 2024 में मिल जाए। आप कुछ ऐसा व्यापार करने का प्लान कर रहे थे या लंबे समय से विदेश जाने का विचार कर रहे थे, तो आप इस समय कर्क लगन से केतु जो है वो तीसरे भाव में है और मकर राशि से राहु तीसरे भाव में है। पाप ग्रह जब तीसरे भाव में रहते हैं तो आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपका हौसला बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वही हो रहा है कर्क लगन और मकर राशि के साथ। तो इस वर्ष आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि इसमें आप देखिए कि मकर राशि से गुरु आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं और कर्क लगन से गुरु आपके पंचम को दृष्टि दे रहे हैं। यानी आपका मन बुद्धि दोनों एक्टिवेट हो रहा है कि आप में हौसला रहेगा, आप घबराएंगे नहीं। तो इसलिए ये वर्ष आपके लिए कैरियर में आपको नए अवसर दिलाएगा। मई से दिसंबर के बीच में आप जॉब बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप लंबे समय से विदेश जाने की सोच रहे थे विदेश जा सकते हैं, व्यापार में कुछ नया करने का प्लान कर रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा है। और फाइनेंस की अगर बात करें, लाभ भाव होता है हमारी रेगुलर इनकम का भाव, तो फाइनेंस के लिए तो ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी कुंडली में दशाएं पॉजिटिव चल रही होंगी, जैसे चंद्र की, मंगल की, सूर्य की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो आप देखेंगे कि वर्ष में कई बार आपके पास ऑप्शन आएंगे। अगर ये प्रत्यंतर आपको मिलते हैं आपको धन लाभ होगा। अगर आप वर्ष 2024 में प्रॉपर्टी खरीदने का मानस बना ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाई चांस आपकी कुंडली में गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो मैं आपसे कहूंगी कि वर्ष 2024 में प्रॉपर्टी में जरूर निवेश करिए। प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी इस समय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने कंपटीशन में लगे हुए हैं या हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स में लगे हुए हैं, उनके लिए पढ़ने का बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय होने की संभावना बनेगी। कर्क लगन से गुरु की सप्तम पर दृष्टि है और इसके अलावा जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल कर्क लगन और मकर राशि के लिए मई से दिसंबर का जो समय है ऐसा है जब आपके लिए शुभ घटनाएं घट सकती हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि महाराज का कोई ना कोई उपाय करना है। सबसे पहला उपाय कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए और छायादान करिए। छायादान के लिए स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें तिल का या सरसों का तेल डालिए, 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपनी छाया देखिए और शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए।
इसके अलावा आप शनिवार को शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं, लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और बाय चांस आप किसी विशेष उद्देश्य की इच्छा है चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोई रुका हुआ काम हो जाए वर्ष 2024 में, तो उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बली को हनुमान जी का चूल्हा चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं। यानी कहते हैं अगर शनि महाराज को प्रसन्न करना हो तो बजरंग बली को प्रसन्न किया जाए। इसलिए अगर आप हनुमान जी को 8 मंगलवार या 8 शनिवार चूल्हा चढ़ाते हैं तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको 8 मंगलवार चढ़ाना है या 8 शनिवार चढ़ाना है, एक दिन डिसाइड कर लीजिएगा हफ्ते का। चोले के लिए आप 5 मोतीचूर के लड्डू और चांदी की बर्फ और चमेली का तेल और सिंदूर लेके जाएंगे अपने सामने, पुजारी के सामने खड़े होकर। ये नहीं कि मैंने पुजारी को पैसे दे दिए वो सिंदूर चढ़ा दे चूल्हा चढ़ा देगा, नहीं, अपने सामने चूल्हा चढ़ाइए, चूल्हा चढ़ाने के बाद वो सिंदूर अपने माथे पे लगवाइए और वो सिंदूर कुछ कागज में रख के अपने साथ लेके आइए, परिवार के सभी सदस्यों के लगाइएगा। और घर में अगर आपका कोई परिवार का सदस्य कोई टेंशन में, डिप्रेशन में या मानसिक उलझन में रहता है तो उसके माथे पर अगर आप हर शनिवार या मंगलवार को अगर हनुमान जी के चोले का सिंदूर लगाएंगे तो उसको मानसिक जो प्रॉब्लम है उसे बहुत रिलीफ मिलेगी। तो हमें कर्क लगन और मकर राशि को अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें शनि की 7.5 का कोई ना कोई उपाय करना है। ये बात तो हो गई शुभ समय के लिए मई से दिसंबर। अब इस वर्ष में हमें सावधानी क्या रखनी है, सावधानी रखनी होगी जनवरी से अप्रैल। सावधानी के तौर पर मैं ये सबसे पहले तो कहूंगी कि आपको जब तक कोई विशेष जरूरत ना हो आप जॉब ना बदले। हाँ, अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं जैसे चंद्र की, मंगल की या गुरु की, चंद्र मंगल गुरु या सूर्य की दशाएं दशा चल रही है तो आप जॉब बदलने का जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर दशाएं थोड़ी नेगेटिव चल रही हो जैसे बुध की चल रही हो या शनि की चल रही हो, उस स्थिति में आपसे कहूंगी कि मैं जनवरी से अप्रैल के बीच में आप जॉब ना बदलें। व्यापार में किसी बड़े प्रकार की जोखिम को लेने से बचें और इस वर्ष 2024 में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष इनकम होने के साथ साथ आपके खर्चे अधिक होंगे, खर्चे अधिक होंगे, इसलिए खर्चों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में जो राहु और केतु के है उसकी कोई ना कोई रेमेडी करते रहें। राहु की रेमेडी के तौर पर आप हर बुधवार को 4 मूली मंदिर में दान कर सकते हैं। जो मूली दान करें उसके पत्ते हटा लीजिएगा, खाली सफेद रंग की मूली दान करनी है हर बुधवार को 4 मूली। केतु की रेमेडी के लिए आप गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन कंबल का दान कर सकते हैं। कर्क लगन व मकर राशि के लिए संभावना बन रही है कि वर्ष 2024 में किसी ना किसी कारण से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या तो आपकी विदेश यात्रा होगी, या आपका नौकरी में ट्रांसफर होगा, या आप किसी कारणवश एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जा सकते हैं, या हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आज प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका रहने का स्थान चेंज हो जाए। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप कर्क लगन व मकर राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 58% तक बढ़िया जाने वाला है। और बाई चांस आपकी कुंडली में चंद्र की, मंगल की, गुरु की दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो परसेंटेज 60 से 62 भी हो सकती है। तो दर्शकों, मेरा वीडियो है कि कर्क लगन और मकर राशि के लिए वर्ष 2024 58% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता।